संसद के बाद अब सड़क पर भी कांग्रेस ने 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 13 विपक्षी दलों के साथ किसानों की जंतर मंतर पर चल रही किसान संसद का दौरा किया। राहुल गांधी विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ बस में सवार होकर जंतर मंतर के लिए निकले और यहां पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। राहुल समेत सभी विपक्षी दलों ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों का समर्थन किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज सब विपक्ष के पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेजेसिस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेजेसिस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना है। दरअसल कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में किसान संसद में जाने का ये फैसला किया गया। इस बैठक में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और जयराम रमेश, द्रमुक के टीआर बालू, शिवसेना के संजय राउत और अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए, जिसमें किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर सभी दलों में सहमति बनी और फिर बिना देरी करे पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आया। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।